प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पल चैनल और मैं हूं मनीषा। आज आप जानेंगे, अखिलेश यादव ने मायावती पर साधा निशाना, बोले अपनी ही जेल में कैद है बसपा प्रमुख, दिल्ली में बैठा है जेलर। उत्तर प्रदेश के राजनीति में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चुनावी हमले काफी चर्चा में हैं। अब अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद बसपा के सपा के गठबंधन टूटने के बाद पहली बार सपा प्रमुख ने मायावती पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी वही काम करती है जो बीजेपी कहती है। अगर 2017 के चुनाव में और पिछले चुनाव तो बसपा के बीजेपी की मदद नहीं होनी पर तो उसकी सरकार बनी नहीं होती। आप उनके फैसलों को देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव ही आज महागठ के अपू चुनाव में उन्होंने कुछ नहीं बोला। सपा है बसपा का टारगेट। सपा प्रमुख ने कहा है, समाजवादी पार्टी कैसे हारे और वो कौन कौन से उम्मीदवार दिया गए हैं, उन्हें टारगेट बीजेपी नहीं है, उनका टारगेट सपा है। उन्होंने बयान को देख कर लीजिए, वे बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो तो अपनी एक बनाई हुई जेल में बंद है। उनका लेजर मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि बसपा ने जब सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ा तब वह सपा प्रमुख के मायावती पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। हालांकि उस वक्त मायावती ने अखिलेश यादव को बहुत आरोप लगाए थे, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ अभी भी कुछ नहीं बोला था। कई मौके पर सपा प्रमुख से मायावती को लेकर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था। वे हर बार मुस्कुराकर बातों में टाल जाते थे। बता दें कि पीछे कुछ दिनों में सपा बसपा के हर फैसले को लगभग सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। इसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ा है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।